की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी, दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला मंदिर में भी प्रवेश किया गंगा का जल। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने विश्वकर्मा सम्मेलन को बताया समाज को गुमराह करने का षड्यंत्र। श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित छात्र बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। और संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने डीएम से की मुलाकात, फीस वापसी और डॉक्टर ऋतु गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की हुई मांग। और अब खबरें विस्तार से। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव हो रहा है और दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला मंदिर में भी पानी प्रवेश कर गया है। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी है। माँ गंगा उफान पर है। घाट किनारे के सभी मंदिरों में पानी प्रवेश कर गया है। वहीं शीतला मंदिर में पानी प्रवेश होने से माँ गंगा और माँ शीतला का मिलन हो गया है। प्रशासन के आदेश पर गंगा में नौका संचालन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते मैदानी क्षेत्रों में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। वहीं घाट से जीविकोपार्जन करने वाले मालाफूल और पंडा समाज के लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। इस दौरान एक मालाफूल विक्रेता ने बताया कि गंगा का जलस्तर बढ़ने से नीचे का घाट पूरा डूब चुका है, वहीं अब हम लोग ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए घाट पर आने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी आई है। सामान्य दिनों में गंगा पूजन, मुंडन, श्राद्ध कर्म कराने वाले लोग आते थे, लेकिन जलस्तर बढ़ने से अब लोग कम आ रहे हैं। गंगा स्नान करने वाले स्नानार्थियों की भी संख्या में काफी कमी आई है, जिससे हम लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। गुरु जी, किस तरह का पानी में लहर है, बहाव है? देखिए, ये गंगा जी का बाढ़ है जो कि हर वर्ष अपने समय पे इसी तरह आता है। इस वर्ष भी गंगा की बाढ़ में, भगवती की बाढ़ में काफ़ी वृद्धि हुई। पिछली 48 घंटों में जिस रफ्तार से भगवती गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण करते हुए ऊपर की ओर आई हैं, उससे आप ये समझ लीजिए बनारस के 84 घाटों का संपर्क मार्ग टूट गया है। नौका संचालन पे प्रतिबंध लग गया है और उसी के साथ साथ प्राचीन दशाश्वमेध घाट पे बुढ़िया माई पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और ये माता गंगा का जल बढ़ते बढ़ते इस समय बड़ी शीतला मंदिर प्रांगण के अंदर आ गया है। जिस प्रकार से भगवती की रफ्तार है, वैसा देख के ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अगर भगवती इसी रफ्तार से बढ़ी तो ये और भी रौद्र रूप लेते हुए और भी ऊपर आएंगी। और वैसे भी ऐसी मान्यता है कि राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत, ये इनका कोई निर्धारित समय या निर्धारित कोई सीमा नहीं होती है, ये अपने हिसाब से चलती हैं जब इनकी इच्छा करती है। तो अगर नियम अनुसार और समय अनुसार देखें तो बाढ़ की जल में वृद्धि काफ़ी देर से हुई, लेकिन जिस रफ्तार से हो रही है वो भयावह है। हम सब भगवती के श्री चरणों में ऐसी कामना करते हैं कि भगवती इन सब चीज़ों से राहत दिलाएं और आम जन जीवन सामान्य हो, आम जन जीवन को भी इससे आराम मिले। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भगवती गंगा का बाढ़ आता है और भगवती शीतला माँ को वो शयन कराती हैं अपने जल से, तो जिस वर्ष भगवती शयन लेती हैं गंगा के अंदर, उस वर्ष संपूर्ण भारत में सुख समृद्धि और चेचक महामारी जैसे रोगों का शमन भी होता है, नाश भी होता है। हम सब मंदिर प्रबंधक की ओर से, सभी ओर से और सभी भक्तों की ओर से भगवती के श्री चरणों में यही हाजिरी लगाते हैं, मनोकामना करते हैं कि भगवती गंगा माँ शीतला को जल शयन कराएं और कराने के पश्चात ही भगवती सुखहाली एवं सब चीज से परिपूर्ण करते हुए हम सभी की मनोकामना पूर्ण। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने विश्वकर्मा सम्मेलन का आयोजन समाज को गुमराह करना बताया। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार विश्वकर्मा ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि देवी देवताओं, महापुरुषों तथा धर्म व जाति के नाम पर राजनीति करने वाले दल भाजपा व सपा द्वारा चुनाव के मद्देनजर वोट के लिए लखनऊ और दिल्ली में विश्वकर्मा सम्मेलन आयोजित कर भगवान विश्वकर्मा का राजनीतिकरण करना समाज को धोखा देने वाला है। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा का वोट के लिए राजनीतिकरण किए जाने से समाज में गहरा आक्रोश है। विश्वकर्मा
विश्वकर्मा पूजा पर्व पर 17 सितंबर को भाजपा व सपा के द्वारा प्रायोजित सम्मेलन वोट की राजनीति के लिए समाज को गुमराह कर बांटने और कमजोर करने का षड्यंत्र है। उन्होंने समाज से अपील की कि विश्वकर्मा पूजा पर्व पर अपने अपने प्रतिष्ठान, गांव और शहर में सार्वजनिक अवकाश हेतु संकल्प दिवस के रूप में भव्यता के साथ मनाएं। किस तरह की प्रेस होता है? आज प्रेस के माध्यम से विश्वकर्मा समाज की ओर से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा पर्व दिवस के अवसर पर इन पार्टियों ने जो सम्मेलन का आयोजन किया है, सम्मेलन के माध्यम से ये भगवान विश्वकर्मा का जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, वोट के लिए देवी देवताओं और महापुरुषों का इन पार्टी के लोग जो राजनीतिकरण कर रहे हैं, इससे विश्वकर्मा समाज के लोगों में गहरा आक्रोश है और विश्वकर्मा समाज के लोगों का इस सम्मेलन से कोई सरोकार और संबंध नहीं है, क्योंकि 17 तारीख को पूरे देश में सभी जाति धर्म वर्ग के लोग जो कल कारखाना चलाते हैं, मशीनरी का काम करते हैं, कल पुर्जों का काम करते हैं, वो अपने अपने प्रतिष्ठान में, घरों में, गांव में, कस्बों में स्वतः विश्वकर्मा पूजा का आयोजन करते हैं, पूरी आस्था के साथ, धूमधाम के साथ पूजा का समारोह करते हैं। इसलिए उस सम्मेलन में इस तरह के लोग नहीं जाएंगे। वह सम्मेलन शुद्ध रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश यह भी है कि 17 सितंबर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस भी है और उनका जन्मदिवस समारोह विश्वकर्मा सम्मेलन के रूप में इसलिए आयोजित किया गया है कि यह लोग उस दिन विश्वकर्मा को साधने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनते ही विश्वकर्मा पूजा पर्व पर जो अवकाश घोषित था उसे योगी जी ने रद्द कर दिया, समाज से वायदा किया कि हम शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में भगवान विश्वकर्मा के जीवन चरित्र को शामिल करेंगे, लेकिन अपने इस वायदे को पूरा न करके भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के साथ धोखा किया है। यह धोखेबाजों की सरकार है, बेईमानों की, झूठों की सरकार है, धूर्तों की सरकार है। इस सरकार में ओबीसी के लोग सर्वाधिक उत्पीड़ित हैं, उपेक्षित हैं। इस पार्टी में ओबीसी के लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। यह जानबूझ करके ओबीसी के आरक्षण को भी खत्म करना चाहते हैं। हमारी यह मांग है कि उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा पर्व का सार्वजनिक अवकाश घोषित होना चाहिए। श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित छात्र अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। विकलांग अधिकार संघर्ष समिति के बैनर तले दृष्टिबाधित छात्रों ने दुर्गाकुंड स्थित श्री हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय को बंद किए जाने के विरोध में रविदास गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। छात्रों ने कहा कि जिलाधिकारी, दिव्यांग समाज कल्याण अधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक विभिन्न प्रतिनिधि मंडल ने कई बार ज्ञापन देकर अंध विद्यालय को बंद होने से बचाने के लिए अनुरोध किया, लेकिन इस बाबत कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिक्षा ग्रहण करना सबका मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकार हम दृष्टिबाधित दिव्यांग से ये अधिकार छीन रही है। उन्होंने कहा कि जब तक अंध विद्यालय नहीं खुल जाता तब तक धरना जारी रहेगा। धरने में मुख्य रूप से शशिभूषण, मंदीप, अनिरुद्ध आदि सैकड़ों छात्र मौजूद रहे। यशवंत जी, किस तरह का लोग धरना चल रहा है यहाँ पे और क्या है ये? देखिए, ये हमारा बनारस में स्कूल था जो कि आज सीनियर सेक्शन क्लोज किया जा रहा है हमारे पास, और सिवाय आर्थिक तंगी की हवाला दी जा रही है। किशन जैलान जो कि बनारस का सबसे बड़ा व्यापारी है, उसका इसमें अहम योगदान है और हम लोगों की शिक्षा बाधित हो रही है। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं और हम जनता से, समस्त लोगों से यह गुजारिश करेंगे कि हमें समझे, हमारा अधिकार मुझे मिले, क्योंकि ये सरकार हम लोगों की नहीं सुन रही है। पिछले बहुत दिनों से हम लोगों ने अलग अलग तरीके से सरकार को, यहाँ के लोकल अथॉरिटी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसी ने हमारा नहीं सुना। मजबूरी ये आ गया कि हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए हैं। आपकी बातें नहीं मानी गई तो आप फिर आगे क्या करेंगे? हम आगे अगर नहीं मानी जाएगी तो हम मरे या जी, चाहे जो भी हो, हम इस अनिश्चितकालीन धरना से पीछे नहीं हटेंगे, हम इसी जगह रहेंगे। जिस तरह का धरना चल रहा है और क्या है ये? जी, ये धरना पिछले विगत 20 दिनों से चल रहा है और या यूँ कहें कि ये धरना एक साल से चल रहा है, तो गलत नहीं होगा। ये धरना इसलिए चल रहा है क्योंकि एक बनारस के बहुत बड़े पूंजीपति हैं किशन जालान, जो
श्री हनुमान प्रसाद पुद्दार विद्यालय उसके वो अध्यक्ष, और जब से वो बने हैं उनके संरक्षण में जब से विद्यालय आया तब से विद्यालय को बंद किए जाने का पहल किया जाने लगा, और आज 17 जून 2020 को वो विद्यालय 9 to 12 बंद कर दिया गया। इसके अलावा पहली और दूसरी क्लास में और UKG में छात्र नहीं है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से 7, 4 तक मान लीजिए 5 से 6 तक छात्र हैं, उनके अलावा कोई छात्र नहीं है, और वो बंद कर रहे हैं आर्थिक मंदी का झूठा हवाला दे करके साजिश के तहत। और अब वहाँ पे मॉल खोलने का या कोई बिजनेस सेटअप करने का प्लान है, ये जो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्मृति सेवा ट्रस्ट है उनके ट्रस्टी होकर। यहाँ पे कितने दिनों से आप लोग धरना दे रहे हैं? जी देखिए, मतलब ये धरना तो हमारा, मैं बोलते हैं 8 जुलाई से ही चल रहा है। नहीं, यहाँ पे कितने दिनों? लेकिन हम कल से अनिश्चितकालीन बैठे हैं यहाँ पर, ताकि बनारस की जनता हमको समझे, देखे, हम जिए, हमारे जनता के सामने रहें, कम खाएं या ज़्यादा खाएं या जो भी करें, मतलब जनता हमको विजुलाइज करे, हमको देखे और उसके हिसाब से। नहीं, जब अनिश्चितकालीन है शब्द की, अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी हम यहाँ बैठेंगे और अलग अलग तरीके से हम जनता को समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार तो समझ नहीं रही है। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने DM से मुलाकात कर फीस वापसी और डॉक्टर ऋतु गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं छात्र जिला मुख्यालय पहुंचे और DM से मुलाकात की। छात्रों का कहना है कि संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के BMS 2018-19 बैच के छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए वो फीस वापसी तथा कॉलेज स्थानांतरण को लेकर लगातार कई महीने से जिला प्रशासन से शिकायत कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा शुल्क वापसी कराया जाए, साथ ही डॉक्टर ऋतु गर्ग के द्वारा गलत तरीके से भ्रम में रखकर हमारा भविष्य बर्बाद किया गया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। संतुष्टि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की छात्र हूँ 18-19 बैच की, और हम लोग 3 साल से पैसे वैसे ले लिए गए और पेपर नहीं कराया जा रहा है, और वो मैम से बोला जा रहा है तो वो बोल रही है हम पेपर कराएंगे, किस बेस पे वो हम लोग का पेपर कराएंगी। अवैध तरीके से वो पैसे हम लोगों से ली और 3 साल हो गए, अभी कुछ यहाँ का पुलिस प्रशासन कोई नहीं सुनवा रही है, और उन के खिलाफ FIR नहीं लिखा जा रहा, हमारे खिलाफ FIR हो जा रहा है, हमारा किसी कॉलेज में ट्रांसफ़र किया जाए, हम लोग बस यही चाहते हैं। अगर आपकी मांगे सुनी नहीं जाती, आप क्या करेंगे? तो हम लोग यहीं बैठेंगे, कब तक कोई नहीं सुनेगा, कोई तो सुनेगा। DM कौशल राज शर्मा के निर्देशन में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशन में जनपद में कोविड-19 टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ग्रामीण व शहरी प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, राजकीय चिकित्सालयों तथा ग्रामीण व शहर में क्लस्टर सहित विभिन्न वर्क प्लेस पर टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. VB सिंह ने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र के 56, शहरी क्षेत्र के 65, 8 वर्क प्लेस व 1 महिला स्पेशल केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में क्लस्टर और गैर क्लस्टर सहित 65 केंद्रों पर 17,400 का लक्ष्य रखा गया है तथा ग्रामीण क्षेत्र में क्लस्टर और गैर क्लस्टर सहित 56 केंद्रों पर 36,250 का लक्ष्य रखा गया है। वहीं महिला स्पेशल 1 केंद्र पर 300 का लक्ष्य रखा गया है तथा शहरी क्षेत्र वर्कप्लेस के 8 केंद्रों पर 1950 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये आज जो है एक बृहद वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें पूरे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 267 जगह वैक्सीनेशन चल रहा है और 50,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगाने का आज लक्ष्य रखा गया है। कोविड फर्स्ट और सेकंड डोज मिलाकर 50,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगेगी। अभी तक लगभग कितने लोगों को लग चुका है? अभी तक तो 12 लाख लोगों से ज़्यादा लोग वैक्सीन लग चुके हैं। और इस वैक्सीनेशन में कोई समस्या किस तरह का कोई समस्या नहीं आ रही है अभी, अब तक कहीं कोई कैजुअलिटी की खबर भी नहीं लगी। अभी जब वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पे है, जब वैक्सीन अवेलेबल होगी तो आगे बृहद कैंप चलेगा। आज क्या करने आए थे यहाँ पे, क्या है आज यहाँ पे? वैक्सीन लगवाने। किस चीज़ का? कोरोना कोविड। तो कैसे आपको पता लगा कि आज वैक्सीन लग रहा है? और आज नहीं, मतलब बहुत पहले से लग रहा है वैक्सीन ना, तो आज हम यहाँ लगवाने आए हैं। तो आपको लग गया? हाँ लग गया। किसी प्रकार का दिक्कत लग रहा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पता भी नहीं चला कि वैक्सीन, मतलब कुछ लगा है ऐसा एकदम।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए के टीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोहनिया निराश्रित गोवंश आश्रम के केयरटेकर पर गायों को बुरी तरह मारे जाने के संदर्भ में मुकदमा दर्ज हुआ। रोहनिया क्षेत्र स्थित मिसरपुर गांव में निराश्रित गोवंश आश्रम के केयरटेकर संतोष कौशल द्वारा निर्ममता से गायों को मारते पीटते हुए वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरे प्रकरण को लेकर ग्राम प्रधान की तहरीर के आधार पर गोवंश आश्रम के केयरटेकर संतोष के खिलाफ रोहनिया थाने में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पूरे मामले में मिसरपुर गांव के ग्राम प्रधान प्रमोद कुमार सिंह ने रोहनिया थाने की पुलिस को बताया कि उनके गांव में निराश्रित गोवंश आश्रम का संचालन होता है। गोवंश आश्रम का केयरटेकर गांव का ही रहने वाला संतोष है। सोमवार की शाम शराब के नशे में धुत होकर संतोष ने कई गायों को लाठी से पीट पीट कर अधमरा कर दिया। साक्ष्य के तौर पर प्रमोद ने रोहनिया थाने की पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो भी उपलब्ध कराया। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी संतोष को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों ने बकाया भुगतान के संदर्भ में मंडलायुक्त से मुलाकात की। 2015 से 2018 तक चौराहों की कमान संभालने वाले ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों ने अपने बकाया भुगतान को लेकर मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल से मुलाकात की। उनका कहना है कि जवानों को यातायात पुलिस लाइन वाराणसी द्वारा परीक्षा उपरांत वाराणसी के यातायात व्यवस्था में लिया गया था, जिसका मानदेय वाराणसी विकास समिति देती थी। वाराणसी विकास समिति द्वारा TRB के जवानों को सेवा मुक्त कर दिया गया। पुनः तत्कालीन पुलिस अधीक्षक यातायात के आदेशानुसार यातायात पुलिस लाइन वाराणसी द्वारा चुनाव के समय पुलिस जवानों के अभाव में हमें दिनांक 7 जुलाई 2019 से 27 जुलाई 2019 तक ट्रैफिक ब्रिगेड के जवानों द्वारा ड्यूटी ली गई, लेकिन अभी तक हमें भुगतान नहीं किया गया। इस संदर्भ में हमने मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपकर भुगतान कराए जाने की मांग की है। TRB में ट्रैफिक ब्रिगेड चलती थी संस्था, हम लोग वाराणसी विकास समिति द्वारा भर्ती की गई थी। पुलिस अधीक्षक यातायात महोदय द्वारा हम लोग की ड्यूटी लगाई जाती थी। जी, क्या मामला है और आज किससे मिलने आए हैं? आज हम लोग का सर लोकसभा चुनाव 2019 का मानदेय बकाया प्रकरण है। चुनाव के दौरान हम लोग की तत्कालीन पुलिस अधीक्षक आदेशानुसार ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका मानदेय भुगतान अभी तक नहीं दिया गया। जी, जिस प्रकरण में हम लोगों ने कई बार DM पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी लोग को शिकायत पत्र देकर प्रार्थना पत्र, जिसकी जांच माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी कार्यालय द्वारा भी 2-3 बार कराई जा चुकी है। जांच में 42,600 रुपये हम लोग का कुल 4 दिवस का मानदेय बनता है, जो कि कमिश्नर साहब द्वारा लंबित है। आज किससे मिले और क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? हम लोग वाराणसी मंडलायुक्त माननीय दीपक अग्रवाल सर जी से मुलाकात किए हैं। जी, जिसमें महोदय द्वारा हम लोग को मौखिक आश्वासन दिया गया कि आप लोग का मानदेय निर्गत कर दिया जाएगा। क्या कोई डेट भी दिए हैं, कब तक होगा या समय निर्धारित? जी, नहीं नहीं सर, हम लोग को पूर्व में भी महोदय द्वारा जो है मौखिक आश्वासन दिया गया कि आप लोग का निर्गत कर दिया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बुलानाला स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रही शिवपुराण कथा का बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रवण किया। बुलानाला स्थित श्री राम जानकी मंदिर में चल रहे शिव पुराण कथा के अंतर्गत कथावाचक महंत अवध किशोर दास ने भगवान शिव व गणेश जी के प्रसंग का वर्णन कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इसके साथ ही एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति भी की गई, जिसे सुनकर भक्तगण झूम उठे। गुप्ता पत्रकारों से रूबरू हुए।
पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उदय कुमार गुप्ता ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। मध्यम वर्गीय परिवार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना महामारी के चलते लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल एवं गैस के दाम बढ़ाने के साथ ही खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार की ओर से गरीबों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई तो जा रही है, लेकिन ये सब नाकाम साबित हो रही है। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए किए हैं? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब है? जनता बहुत परेशान है। जनता की समस्या ये हो गई है कि महंगाई उसके सर पे बैठा हुआ है और जमीन का निर्माण उसके जमीन उसके पैर के नीचे लड़खड़ा रहा है। एक निर्माण हो नहीं रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पर, दूसरा निर्माण चालू हो जा रहा है। आधा अधूरा काम इन्होंने छोड़ दिया है और पार्टी के पास जिम्मेदार व्यक्ति है ही नहीं। जनता अपनी शिकायत कहाँ करेगी, जितने के पास हम नदारद हैं। स्थिति ये हो गई है कि जनता जाए कहाँ? जनता अपना काम छोड़ करके तो कहीं जाएगी नहीं। जनता ने अगर पहले की पार्टी को हटाई और नई पार्टी लाई तो किस लिए लाई? क्या काम धाम छोड़ करके पार्टी वालों को खोजे या अपनी समस्या के लिए दर दर भटके? स्मार्ट सिटी बन रहा है, अच्छी बात है और अच्छी बने, लेकिन क्या इसी तरह बने कि एक जमीन खोद रहे हैं, आधा बना के दूसरी गली में निकल जा रहे हैं और फिर उस जनता वही गड्ढे में गिर रही है? तीन तीन महीना चार चार महीना हो जा रहा है, निर्माण कार्य दिन में चल रहा है, जिसमें पब्लिक आ रही जा रही उसी में निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य रात में होते हैं, 20% काम दिन में होते हैं, 60% काम रात में होते हैं, और आप जो दिन में निर्माण कर रहे हैं आप, और जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई क्षेत्र में दिख नहीं रहा है। ठेकेदार अपने मन से काम सही कर रहा है, मानक रूप में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखने वाला इस समय कोई नहीं है। सिर्फ हमें पार्टी पे बैठा दो बस, इससे ज़्यादा कोई काम रहने गया है। विरोध आप कैसे करेंगे, क्या है? देखिए भाई, विरोध तो ये है कि जनता एक दूसरे से सिर्फ कह पा रही है। इस समय स्थिति ये हो गई कि जनता कहीं जा नहीं पा रही है, ना कुछ कह पा रही है। महंगाई उसके माथे पर बैठा है, वो अपना धंधा छोड़ के नौकरी छोड़ के क्या अब यही काम करने को रह गई है? क्या अखबारों के माध्यम से और तमाम माध्यमों से इनको नहीं जानकारी हो रहा है कि महंगाई कहाँ पर है? 2014 में गैस सिलेंडर के रेट कितने थे? सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग है कि जनता जो सोच के लाई थी अब वो कार्य कर नहीं पा रहे हैं, और जनता ऐसी चीज है कि वो अपना निर्णय कभी भी बदल सकती है। पीछे हम जो है देखते हुए चले आ रहे हैं, जनता जो चाह रही है उस पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाइए सब, लेकिन जनता का जेबा देखते हुए बनाइए। लॉकडाउन था, सबके व्यवसाय बंद थे, शोरूम बंद थे, दुकानें बंद थी, लेकिन किसी का बिजली का पैसा लेस नहीं हुआ, सब पैसा जोड़ा गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ाव जारी, दशाश्वमेध घाट स्थित शीतला मंदिर में भी प्रवेश किया गंगा का जल। ऑल इंडिया यूनाइटेड विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा ने विश्वकर्मा सम्मेलन को बताया समाज को गुमराह करने का षड्यंत्र। श्री हनुमान प्रसाद पौधदार अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित छात्र बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। और संतुष्टि मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने डीएम से की मुलाकात, फीस वापसी और डॉक्टर ऋतु गर्ग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की हुई मांग। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।